कहना चाहूंगा आज जो समस्या पैदा हुई है और ये हमारे लिए नई बात नहीं है, हम सबों के लिए कोई नई बात नहीं है। आदिवासियों का जीवन संघर्ष भरा है। हम आदिवासी संघर्ष से नहीं डरते, नहीं घबराते, हमारा जीवन ही ऐसा। हम पहाड़ों में रहते हैं, पर्वतों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, नदी नाला का पानी पीते हैं और कंदमूल खाते हैं, ये तो हमारा जीवन है। हमें खुशी और आनंद पहाड़ों में मिलती है, जंगलों में मिलती है, और हम जंगलों के बच्चे हैं, शेर के साथ रहते हैं, जंगल में जितने जानवर हैं और जितने पक्षी हैं उनके साथ हमारा जीवन व्यतीत होता है। और इसलिए हमें घबराने की बात नहीं है। मैं जो आज आप सबों को कहने के लिए आया हूं, पूरे भारत देश में जहां जहां भी आदिवासी रहते हैं वहां मैं आदिवासी समाज के लिए मैं काम करता हूं, और भारत देश के आजादी से पहले से लेकर आज तक हम आदिवासियों के साथ जो क्रूर मजाक हो रहा है और इसके पीछे कारण दूसरा कोई नहीं है, आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो कुछ भी आज हम सबों के साथ अगर हो रहा है ये कारण हम लोग स्वयं हैं, हम सबों के कारण ही ऐसा हो रहा है। अभी पूर्व वक्ता हमारे पूर्व विधायक विनय भगत जी ने कहा कि तांगा को यदि बांस यदि साथ नहीं देगा तो तांगा कुछ भी नहीं कर सकता है। हम लोग यहां देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हस्तदेव जंगल भी काटा जा रहा है, आदिवासी मुख्यमंत्री भी बना दिया गया और देश में आदिवासी राष्ट्रपति भी बना दिया गया। क्या सचमुच में आदिवासी राष्ट्रपति बना देने से, आदिवासी मुख्यमंत्री बना देने से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है? शायद है नहीं। जब तक हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को, जब तक हम अपने आदि सनातन धर्म को नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में कदापि बदलाव नहीं आ सकता है। आज हम इस सरना के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, आखिर में सरना है क्या चीज, और हमें दर्द क्यों है सरना के प्रति, और इसलिए सांस्कृतिक मूल्यों के बगैर, सांस्कृतिक मूल्यों के बिना शैक्षणिक ज्ञान अधूरा है। संस्कृति में ही हमारा संस्कार है और संस्कार हमें जीवन जीना सिखाती है। जब तक हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं समझेंगे, आज हम विधायक बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं और हम बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बन जाते हैं, IAS IPS और बड़े अफसर भी बन जाते हैं, डॉक्टर वकील भी बन जाते हैं, लेकिन क्या सचमुच में हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को समझ सके हैं? आज जो कारण हुआ है अपने सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं समझने के कारण, यदि यहाँ के लोग इस दीपू बगीचा के सरना स्थल के बारे में जल्दी समझते, जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की जो विधायक महोदया है उसने भी मेरे बारे में वीडियो में कई बातें कही हैं, मैं किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करता, बस मैं केवल बात करता हूं अपने समाज के बारे में, अपने समाज के अंदर में जो कमी है मैं उसकी बात करता हूं। दुनिया के लोग सभी लोग जागे हुए हैं और हमें जानना है, हमें अपने समाज के लिए करना है, और इसलिए हमारे माता पिता भाई और बहनों आज हम इस दीपू बगीचा में आए हैं, और इस दीपू बगीचा में जो षड्यंत्र रचा गया है, जो षड्यंत्र रचा गया है, मैं ये सीधे तौर पर कह सकता हूं कई बातें विधायक महोदय के द्वारा आज राजीव पास के बारे में आप लोगों को समझना होगा। उराव मुंडा हो, संथाल खड़िया, खासकर जो हमारे झारखंड में 5 विशेष जनजाति हैं, झारखंड में 32 से 34 जनजाति रहते हैं, लगभग छत्तीसगढ़ में भी, पूरे भारत देश में लगभग 800 जनजाति रहते हैं, सभी लोगों की अपनी सामाजिक व्यवस्था है और पाढ़ा हमारी सामाजिक व्यवस्था का नाम है, और हम जिस आदि सनातन धर्म से हम जीते हैं वही हमारी जीवन पद्धति है।
हम जिस धारा से चौकित हैं, जो आदि कालीन व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के तहत हमें कैसे चलना है, हमें कैसे रहना है, हमारी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था कैसा संचालन होगा, और इसके लिए आप सभी लोगों को सचेत होना होगा। और जब तक हम लोग सचेत नहीं होंगे, हमारे साथ ऐसा ही होगा। आज हम लोग बिखरे हुए हैं, धर्म के नाम पर, झंडा के नाम पर, पूजा पद्धति के नाम पर, भगवान के नाम पर हम लोग आपस में बढ़ गए हैं। यही कारण है कि आज दूध बगीचा जो शर्मा स्थल है, उस पर तारा लगा दिया गया। एक साजिश के तहत मैंने एसडीएम का भी सुना है वीडियो में, वो कभी कहते हैं सील मैंने नहीं किया है, कभी वो कहते हैं मैं ताला नहीं लगाया गया है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं इस मंच से, एसडीएम साहब आप सरकारी नौकर हैं, मुझे पता है सरकार जो कहेगी आप वही करेंगे, आपकी झूठे की बात नहीं है। और जो जिसे आप लोगों ने विधायक बनाया है, जसपुर का जिसे आपने विधायक बनाया है, जिसे आपने अपने सराफों में बिठाया है, जो आपको 3 लाख आपको जूता मारने का काम करेगी, मैं उस विधायक का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं अपने झारखंड की बात 2 मिनट के लिए मैं बताना चाहता हूं, और इस मंच से मैं आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि आज हम लोग सभी पढ़ा प्रेमी, धर्म प्रेमी, समाज सेवी अपने दुख और दर्द को बांटने के लिए इस सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग यहाँ कोई खिचड़ी बात खाने नहीं आए हैं, सीधा संवाद करने आए हैं यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के मुख्यमंत्री से। इस मंच से हम लोग बोलने के लिए आए हैं। रुख में ही कहा जाता है, नंगन तो नंगई आलत तुम बच्चिया, नंगन हो कहा ठंडा राजा, डोंगत असल कालर की मूर्तिया, एक साथ चुप ना हम मराचे। मानी ईद इन बात का लाओगे, आदिवासी दिन पिटा के आदिवासियों को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति बना दिया गया। हम लोग सोचने लगे कि आखिर राष्ट्रपति बनाया गया, कुछ ना कुछ बात है जिसे अछूत माना जाता है। और जो लोग गर्व से कहते हैं कि हम गांव हिंदू हैं, मुझे उनसे भी बात करना है जो अपने आप को कहते हैं कि हम गांव हिंदू हैं। लड़ाई इसी का चल रहा है, आप गांव हिंदू हैं और कुछ लोग उराव क्रिश्चियन हैं, और उराव बौद्ध भी होंगे, उराव जैन भी होंगे, उराव सरदार भी होंगे, पंजाबी भी होंगे। जिसे जिधर कहना है, और इस बीच में आदि शरणा के भी लोग होंगे जो वही असली धरती पुत्र कहलाएंगे। और इसलिए जिसे उराव हिंदू बनना है, आप अपना रास्ता तय कर लो, और जिसे उराव जैन और बौद्ध में रहना है, उराव ईसाई में रहना है, आप भी अपना रास्ता तय कर लें। लेकिन शरणा का पूजा, आदि शक्ति की पूजा कैसे और कहां किया जाता है, आप सबों को ये मालूम होगा कि गांव का दर्जा ऐसे नहीं मिलता है। जब तक जिस तरह से 5 उंगली है, उसी तरह से गांव में अखरा, झखरा, चंडी, दराजसली और सरना, ये 5 जिस गांव में नहीं, उस गांव की मान्यता नहीं होती। टोला हो सकता है, लेकिन उसे गांव का मान्यता नहीं मिल सकता। और ये 5 मिल गए, जो महाशक्ति सरना है, उसी की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और इसलिए सरना को ताली लगा देना, दूसरे लोग अपने भगवान को ताला लगा देना। आदिवासी समाज जो प्रकृति पाठक है, जो प्रकृति को मानता है, जो प्रकृति है उसका धर्मशास्त्र है, बाकी लोगों का वेद है, पुराण है, हदीस है, कुरान है, रामायण है, गीता है, बाइबल है, और हमारा तो धर्मशास्त्र, आदिवासियों का धर्मशास्त्र प्रकृति है। प्रकृति से बात कोई धर्म नहीं, प्रकृति से बात कोई शास्त्र नहीं। और इसलिए हम प्रकृति के उपासक हैं, और हमारा पूर्वज कभी भी सरना में ताला नहीं लगाया है, और आज सरना में ताला लगा रहे हैं। ताला तो खुलेगा, हमारे पूर्वज यदि शहीद होकर इस धरती को सींचे हैं, तो शहीद होना हमें भी आता है। और जिस तरह से लाल सफेद झंडा जो आपके बीच में आया है,
आप इस लाल सफेद झंडा को बहुत सारे लोग कहते हैं करे तो क्रिश्चियनों का झंडा है, क्रिस्तान झंडा है। शायद आप सब को मालूम होना चाहिए, आप लोग डंडा कटना सब लोग करते हैं और उस डंडा कटना का कलर कैसा है, कौन सा रंग यूज होता है, उसे आप बाखूबी जानते हैं। और जैसे मैंने कहा कि गांव में जो पांच चीज होता है उसमें मड़ई भी है और उस मड़ई में यही लाल सफेद और काला झंडा ही लगता है। शायद आप लोग भूल गए होंगे, आप अपने पूर्वजों से पूछिए, हमारा आदिकालीन झंडा लाल सफेद काला झंडा ही होता था जो आज हम लोग भूल चुके हैं। स्वर्गीय कार्तिक बाबा भगवान बिरसा मुंडा आखिर हमारे बीच में, आज हम जिस विग्राम बाबा जो यहाँ झंडा लगा हुआ है, मैंने विग्राम बाबा के साथ भी कई वर्ष हमने बिताया, रामकुंद बाबा के साथ भी मैंने कई वर्ष बिताया, मुझे स्वर्गीय कार्तिक बाबा से मैं मिल नहीं पाया लेकिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं 32 साल लगातार इस समाज के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए जो कुछ मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। और इसलिए आज जो लड़ाई हम लोगों के बीच में चल रहा है, शांति और क्रांति का जो प्रतीक है हमारा सरना झंडा, स्वर्गीय कार्तिक बाबा जो पूरे देश में भ्रमण करते थे, मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, वहाँ के 80 साल 90 साल के जो बुजुर्ग हैं वो लोग यही कहते थे कि स्वर्गीय कार्तिक बाबा यही लाल सफेद झंडा को लेके जाते थे, कहा जाते थे विदेश भी गए और देश के कोने कोने में भी जाते थे, तो लोग कहते थे इस झंडा को पॉकेट में लेके चलते थे। अभी हाल फिलहाल में सीधा सीधा नाले में कुछ लोग वहां से 200-250 लोग आए थे, कहां से, तो आपका जो भूटान बॉर्डर है उस भूटान बॉर्डर से कुछ लोग आए थे और वो लोग कह रहे थे कि जब स्वर्गीय कार्तिक बाबा एक सभा में आए और उसने एक कहा डंडा ला, एक लड़का जो अब 60 साल का उम्र हो चुका है, उस समय उसका 14-15 साल के एज में था और उस कार्तिक बाबा के सभा में भी था और उनका कहना था, उसने कहा एक डंडा लाओ और वो आप भी डंडा लेके आया और कार्तिक बाबा अपने पॉकेट से ही लाल सफेद झंडा निकाल के सबसे पहले झंडा को बीच में रखा और उसके बाद जो वहाँ प्रार्थना होते तब सभा का शुरुआत किया गया। मैंने लगातार 32 साल सरना को आगे बढ़ाने के लिए, सरना को गति देने के लिए और सामाजिक व्यवस्था को जोड़ने के लिए, मैं बागी लकड़ा जी से भी मैंने बात किया, यहाँ हमारे दीवान बसंत जी है इनसे भी मैंने बात किया और दुखी भगत दुखी जी हैं इनसे भी कई दफा हम सबों की बात हुई। मैं हमेशा चाहता था कि पारा में अनेक झंडा है, आप लोग इस बार जरूर मुर्मू यात्रा में आए। छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं इस मंच से न्योता भी दे रहा हूँ, आप सभी लोग छत्तीसगढ़ के लोग इस बार मुर्मू यात्रा जरूर पधारे, क्योंकि सुरगुजा प्रदेश, छछाली प्रदेश, वीरावर में कुकरा परगना और ये सुरगुजा प्रदेश कुकरा परगना और ये चार प्रदेश, एक सुरगुजा प्रदेश कुकरा परगना वीरावर में और एक या फिर चार प्रदेश जो हमारा पुराव क्षेत्र हुआ करता था और यहाँ के सभी लोग मुर्मा में लोग आते थे। आज भी मुर्मा में जितने भी हमारे धार्मिक प्रतीक चिन्ह हैं जो आज दुनिया का किसी भी व्यक्ति किसी भी समाज के पास में जो धरोहरों को बचाया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा, वो आज भी आप सबका बात जो है आशा देख रहा है और इसलिए आप वहां जो देवी देवताओं की जो परिक्रमा होती है, वहां जो हमारा जो रंपा चंपा है और जितने भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह है उसका आप दर्शन कर सकेंगे, आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकेंगे। मैं इस लड़ाई में आप प्रभुओं के साथ हूँ, मैं आप प्रभुओं के लिए यहाँ पर यही कहने के लिए आया हूँ कि आपसी लड़ाई और जो झारखंड की बात जो मैंने कहा था, इस बात को कहा गया कि संविधान खतरे में है और वास्तव में यदि झारखंड से जो हम लोगों ने एक संदेश दिया है, हम लोग बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है, हम लोग डरते थे कि जहां आरएसएस की सरकार आएगी कि जैसे ही हम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जो आज राष्ट्रपति है भारत की, 2 बार मुर्मू शक्ति स्थल में वो आ चुकी है, मैं सीधा उनसे संवाद कर चुका हूं और आज उनकी स्थिति है, मैं 2 महीना पहले हमारे बीच में भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय पान जी हैं, 10 राज्य से हम लोग राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे आदिवासी की समस्याओं को देखिए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और गृह मंत्री से मिलने के लिए 15 दिन मैं दिल्ली में था आपकी समस्याओं को लेके कि हसदेव का जंगल काटा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में बहुत अन्याय हो रहा है, झारखंड में अन्याय हो रहा है, आदिवासी मुख्यमंत्री को कोई गुनाह नहीं उसका और उनको जेल में डाल दिया गया और इस तरह से अन्याय हो रहा है इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 15 दिन मेरे रहने के बावजूद कहा गया कि कल आप लोग मिलेंगे राष्ट्रपति से, दूसरे दिन यही न्यूज आता है कि नहीं आप लोग को रोक दिया गया है। तो कहां से? प्योमो से। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश आ गया कि धर्मगुरु को नहीं मिलेंगे देना है, क्योंकि लोग जानते थे कि जैसे ही धर्मगुरु राष्ट्रपति से मिलेगा क्यों हमारे बारे में जानती आदिवासियों का दर्द उनको भी है, लेकिन उनको पिंजरा में कैद कर दिया गया है। और इसी तरह से यहाँ पर जो विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री बने हैं, आज आप देख सकते हैं कि आपके धार्मिक स्थल को ताला लगा दिया गया है। ये SDM ताला नहीं लगाया है, आपका भाई, आपका विधायक, मैंने सुना है वीडियो में, कांग्रेस और भाजपा का फोन दिए, उसने कहा है कि हमने कांग्रेस को सबक सिखाया है, कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई हमारे साथ नहीं है, हमारी लड़ाई हमारी समाज का है, हमारी लड़ाई हमारे धर्म का, हमारा अस्तित्व का है। हम और भाजपा और कांग्रेस के लिए क्या हम लोग यहाँ आए हैं बताइए आप? क्या आप लोग भाजपा और कांग्रेस के लिए आए हैं? क्या विनय भगत अपने कांग्रेस टिकट दिलाए हैं? क्या यहाँ टिकट बट रहा है? तो हम लोग यहाँ पर आए हैं अपने अस्तित्व और अपने आस्था की लड़ाई के लिए। और इसलिए मेरा उस विधायक से सीधा सवाल है, अगर वो इस धरती की बेटी है, आदिवासी गांव समाज की बेटी है, तो उसे अपने आप उस थाला को खोलना चाहिए। और उस मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ, आज यहाँ जितने भी समाज सेवी जितने लोग यहाँ पर उपस्थित बैठे हैं, सभी लोग कोई भी वेतन भोगी नहीं है, यहाँ जितने लोग आए हैं अभी सभी लोग आप लोग अपना चंदा अपना पैसा इकट्ठा करके यहाँ आए हैं, लेकिन आगे से तो भाजपा उन्हें वेतन देता है, उन्हें पैसा देता है। और इसलिए हम लोगों ने झारखंड में आदिवासी 5 सीट हमने अनाउंस किया वहां, और हमने दिखा दिया अपनी ताकत को कि 5 आदिवासी जो लोकसभा सीट है, RSS की सरकार को हम लोगों ने चैलेंज किया कि संविधान बदलने वाले सावधान आदिवासियों का हस्तों के नजर सावधान होगा, और इस सरना को ताला लगाने वाले मां सरना का कृपा आप देख लीजिएगा, उनकी से फिर चुनाव होगा, सरना का ताकत उसे दिखेगा, उन लोगों को मालूम है बंधन की गई यहां पर आ रहा है, मेरे ऊपर यह अटैक किया गया। अभी तो मैं यहां 2-4 लोगों के साथ आया, आपका साथ मिलेगा यहां हम लोग 10 लाख लोग जीतेंगे, पूरे देश के लोग जीतेंगे। और अगर ताला ईमानदार से नहीं तो मुख्यमंत्री जी आप इस मन से सुन लीजिए, सरना कभी ना बंद हुआ है ना कभी बंद होगा, आप हमारी सरना को ताला नहीं लगा सकते, आपका ताला मां सरना स्वयं उसको खोल देंगे। और इसलिए आप 5 साल के लिए आए हैं, मैं इस मन से आपको विनती करना चाहता हूँ, आप राज चलाएं, आदिवासियों का जो शोषण हो रहा है, आप आदिवासी हैं, अभी आप लोगों ने देखा भाजपा सरकार कई दफा कह चुकी थी आरक्षण खत्म कर दो, आरक्षण ये लोग खत्म करना चाहते हैं, हमारा रिजर्वेशन ये लोग खत्म करना चाहते हैं, और यही कारण है कि यहाँ का पारा मैं बसंत जी को इसी वर्ष पूरी सभी पारा के आपदा अधिकारियों को मैं सलाम करता हूँ, जय दान करता हूँ, क्यों कि आपने सही लड़ाई लड़ा है, आप लड़ाई के साथ मैं उसी ने मैंने आया है। अगर मुझे ईर्ष्या होगा कि नहीं वहां झंडा अलग लगाया जाता है, वहां धर्म अलग बोला जाता है, नहीं, आप गांव समाज से हैं, आदिवासी समाज से हैं, आप आदिवासी की अगुवाई कर रहे हैं, और आप राजी पढ़ा जो हमारा राजी पढ़ा आज शिथिल हो चुका है, आप इसे गति देने का काम कर रहे हैं, इसलिए बंधन की गई यहां पर अपने साथियों के साथ यहां पर चलकर आया है। और जो एक एक आदमी को मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई अब छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है, ये लड़ाई आपको लड़ना है, ये लड़ाई अब शुरू हो चुका है, और एक 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 जगह पर हम लोग घूमेंगे, एक एक गांव को जगाएंगे, जिस तरह से 5 सीट लोकसभा का हम लोगों ने आज RSS को लीड से बजा दिया, और यहाँ पर लोग मंदिर में ताला क्यों नहीं लगा, मस्जिद में ताला क्यों लगा, गिरजा में ताला क्यों नहीं लगा,
ये बहाना है कि वहां बच्चों को रखा गया। आप जितना भी पूरी छत्तीसगढ़ का स्कूल है, जितना भी प्राइवेट स्कूल चल रहा है, जो संस्था चला रहा है, सभी संस्था का जांच होना चाहिए। सभी स्कूल में जितना भी बच्चा आदिवासी बच्चा सभी बच्चों का मेडिकल होना चाहिए। केवल यहाँ पर पढ़ाने में तो गरीब बच्चों को रखा गया, असहाय बच्चों को रखा गया। गार्जियन होने के नाते ऐसा नहीं कि बसंत जी चाहे यहाँ के पढ़ा प्रेमी लोग उनसे पैसा लेके पैसा कमा रहे थे, ऐसी बात नहीं है। इनको डर था उन बच्चों का और उस समाज को, उस धरोहर को, दीपू बगीचा को बचाने के लिए, उस सूरत सरना पूजा स्थल को बचाने के लिए। जो भी लोगों ने कदम उठाया, जैसा मैं बताना चाहता हूं मेरे मुड़मा के बारे में, मुड़मा जत्रा शक्ति स्थल मात्र 3 एकड़ किराना बेडिसमिल है। आज आप सबों को मेरी बातों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 32 साल समाज को दिया है और जब तक मैं जीवित रहूंगा मेरा शरीर इस समाज के लिए समर्पित है। और यदि आप सबों से मैं विनती चाहता हूं कि कुछ समय आप लोग दें। और मुड़मा जत्रा शक्ति स्थल मात्र खतियान में दर्ज है 3 एकड़ किराना बेडिसमिल, और उस 3 एकड़ किराना बेडिसमिल मैं वहां 65 एकड़ जमीन, जहां मुसलमानों का जमीन है, जहां हिंदुओं का जमीन है, वहां आदिवासियों का जमीन है और वहां और भी दूसरे दूसरे लोगों का जमीन है, 65 एकड़ जमीन। और वहां हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था बनाया, पूरे देश के लोग, जो चार प्रदेश है, चारों प्रदेश के लोग मुड़मा जत्रा शक्ति स्थल में जुटते थे। आप भी यहां से जाते जाते, पूर्वज भी यहां से जाते थे। आप 70-80 साल पुराना एक वीडियो आप देखेंगे कि जैसे यहां के राजा के युवान को हाथी और घोड़ा में बैठा के लड़का और लड़की लोग कैसे उसको मैंने पंचते हुए ले जाते थे मुड़मा जत्रा। महीनों लगता था लेकिन लोग यहां से जाते, सोचिए क्या आज था। आज तो हम 4 कदम चलने के लिए घबराते हैं। और वहां 65 एकड़ जमीन मैंने मुड़मा के लिए जेल किया, वहां कोई भी घर बन रहा था, दीवार बन रहा था, अतिक्रमण हो रहा था, उसे हमने रोक दिया। और वहां की प्रशासन सरकार, आरएसएस की सरकार केस करने के बाद मुझे जेल में डाल दिया। ये तो गनीमत है कि बसंत जी और राम पदाधिकारी को कैसे लोग जेल में नहीं डाला। इन लोग अगर फंसते रहे तो लोगों को हत्या करा देगा इन लोग। और इसलिए आप लोगों को सचेत रहना है, केवल दीपू बगीचा और सरना स्थल इन लोगों का बहाना है। मैंने विधायक का स्टेटमेंट सुना है, उनको कांग्रेस से चिढ़ है। और मैं कहना चाहता हूं जो आदिवासी समाज के लिए करेगा, जो आदिवासी समाज के लिए करेगा, हम लोग उसी के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे आने वाला समय में राहुल गांधी का सरकार हो, हम लोग किसी पार्टी का पिट्ठू नहीं है। पाड़ा एक सामाजिक व्यवस्था है जो स्वतंत्र है, आदि सरना धर्म स्वतंत्र है। एक आदमी ने कहा कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। अर्जुन मुंडा को क्यों हम लोगों ने हराया, चैलेंज के साथ हमने हराया। प्रधानमंत्री जी मन से सुन ले बात को। अभी कल परसों आपने हेमंता बिस्वा असम के मुख्यमंत्री के बारे में सुना होगा। हेमंता बिस्वा जी आए मुझसे मिलने के लिए कि मैं धर्मगुरु बसंत जी से मिलना चाहता हूं। मैंने मिलने से मना कर दिया। क्यों मिलने से मना किया? क्योंकि 2008 में आपने देखा होगा लक्ष्मी उड़ान को गुवाहाटी शहर में नंगा दौड़ाया गया था, और उस समय ये व्यक्ति एक पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था। यही हेमंता बिस्वा जो आज भाजपा सरकार में, कि आने वाला दिन आदिवासियों का आने वाला है, आने वाला दिन आदिवासियों का होने वाला है। क्यों? कि जिस दिन हम आदिवासी एकजुट हो जाएगा, और होना ही है, क्योंकि धर्म की लड़ाई जो है वही मंजिल हमको देगा, और धर्म को समझना है। और मैं एक छोटे समय में आपको चंद शब्दों में नहीं समझा सकता, और इसलिए मैं आपके बीच में दोबारा आने वाला हूं। और अब मैं ये तय करूंगा कि मुझे दिल्ली जाना है कि नहीं जाना, क्यों चाहिए उसे झारखंड। झारखंड तुम्हें पता है कि भारत देश का सबसे धनी राज, अगर कोई राज है तो झारखंड है। और झारखंड से सुरगुजिया को क्यों अलग किया गया? झारखंड से सुंदरगढ़ को क्यों अलग किया गया? आपको पता होना चाहिए रेणुकूट को क्यों अलग किया गया। ये झारखंड का अंग था, झारखंड की धरती दुनिया का सबसे धनी राज्य था, और इसलिए आजादी से पहले ही झारखंड के पैर और हाथ को काट दिया गया। एक थोड़ा सा सुरगुजिया प्रदेश को छत्तीसगढ़ में मिला दिया गया, जो हमारा पूरा प्रखंड था उसको काट के सुंदरगढ़ को आपको मिला दिया गया उड़ीसा राज्य में।
और कुछ हिस्सा को बिहार में छोड़ दिया गया और आज बिहार से अलग होकर हम लोगों ने झारखंड बनाया। क्यों? अपनी संस्कृति, अपने आदि समाधान की रक्षा के लिए, आदिवासियों की रक्षा के लिए। और इसलिए यहाँ के आदिवासियों को, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को मैंने गोड़ी, मैंने रायपुर में वहाँ के जो गोड़ी भाई लोग हैं, जो अभी जनगणना 2011 और 21 में 10 लाख लोग गोड़ी भरत दिखा है, मैंने उनके पास किया था 100 लोगों को लेके। 2 दिन का वहाँ शिविर था और उसमें गोड़ी महासभा के जो धर्म गुरु है उनके साथ हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप हमारे गुरु हैं, आपने धर्म का आंदोलन छेड़ा है, हम लोग आपके साथ हैं, आप आगे आगे चलिए, हम आपके साथ हैं। और इसलिए मेरे भाइयों या बहनों, पूरा आदिवासी समाज को एक होना है। आपको झंडा के लिए और धर्म के नाम पर जो लड़ाई हो रहा है, लड़ाया जा रहा है, आरएसएस चाहता है। और इसलिए आरएसएस के बहुत बड़ा पदाधिकारी, और खासकर मैं नाम लेके कह रहा हूँ, जो केंद्रीय मंत्री, जो हमारे जनजातीय मंत्री थे, हम लोगों ने जब दिल्ली में रैली किया, सभा की, और उनसे जब हम लोग मिलने के, आज हमारे बीच में हमारे मानव शास्त्री डॉक्टर कर्मा राव जो हमारे बीच में नहीं है, वो हमें कहते थे गुरु जी कुछ करना होगा, गुरु जी दिल्ली चलना होगा, और बोलते थे डॉक्टर कर्मा राव जब हमारे बीच में नहीं है। और हम लोगों ने दिल्ली किया और अर्जुन मुंडा जी से हम लोगों ने बात कहा। अर्जुन मुंडा तो आने से तो भाजपा का तोता है, उसने क्या कहा, अरे आदिवासियों का तो धर्म है ही नहीं। हम लोगों ने सर पीठ में लगा, वहां मुंडा चढ़ के भी फेल हो गए और भारी नाराज हम लोग हो गए। मैं समझता हूँ कि वो आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि पूरे देश, अब जनजाति मंत्रालय के मंत्री हैं, आप पूरे देश के लोगों को बुलाइए और डिबेट होना चाहिए, पूरा आदिवासियों को आप बुलाइए और हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप चर्चा नहीं करेंगे तो हम लोग दिल्ली से नहीं जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग वार्ता करेंगे। और इस तरह से वार्ता होने के बाद जो भी राज्यसभा सदस्य है प्रदीप वर्मा जी, वो आरएसएस जो बिड़ला के मैनेजर हैं, आप तो समझ सकते हैं टाटा और बिड़ला के मैनेजर हैं और अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने भी कहा कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं क्या हमारा धर्म है कि नहीं है, हम लोग पेपर भी है क्या? तो मेरे भाइयों और बहनों, बिना धर्म का सूर्य का धर्म क्या है, सूर्य का कर्म क्या है? सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, वही उसका कर्म है, वही उसका धर्म है। और इस बात को आदिवासी समझता है, पेड़ का धर्म क्या है, पेड़ का कर्म क्या है? उसका कर्म है छाया देना, फल देना। और हम प्रकृति उपासक इस बात को जानते हैं, आदिवासी शालीनता से रहना जानता है, आदिवासी सत्य पर जीता है, सत्य पर आधारित है, वास्तविकता पर हम लोग जीते हैं, हम लोग काल्पनिक नहीं है। और इसलिए आदिवासियों को न डरा सकते हैं, न धमका सकते हैं, क्योंकि आदिवासी जंगलों का बेटा है, पहाड़ों का बेटा है, नदी नालों का बेटा है, और हम इसी के अनुसार चलना चाहते हैं। और इसलिए मैं यहाँ की सरकार को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के शासन प्रशासन को, हम आदिवासी प्रेम से जीना जानते हैं, हम लोग नफरत नहीं जानते हैं। हमने आदिवासी सभ्यता को सींचा है, हम सभ्यता के बारे में जानते हैं, और इसलिए हमें अपने अनुसार जीने दिया जाए। और इसलिए पांचवी अनुसूची भारत के संविधान में बनाया गया है, पेशा कानून दिया गया है। भारत देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पेशा लागू होना चाहिए, या ग्राम सभा लागू होना चाहिए। क्या एसडीएम साहब ने ताला लगाने से पहले ग्राम सभा से मीटिंग किया? क्या यहाँ पेशा कानून लागू है? क्यों लागू नहीं है? यदि लागू है तो क्यों लागू नहीं है? और लागू है शायद, मुझे जानकारी अगर लागू है तो मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूं। और इसलिए मेरे जितने भी माता पिता भाई और बहन यहाँ पर आए हैं, मैं किसी को न डराने आया हूँ, न धमकाने आया हूँ, न उसकाने के लिए आया हूँ। बस सीधी बात, हम लोग जानते हैं कि आदिवासी प्रकृति से प्रेम करता है, प्रकृति का पुजारी है, प्रकृति का रक्षक है, जिनके सांसों में प्रकृति जीवन है, जो स्वयं में ही प्रकृति को महसूस करता है, और जो जिसका प्रकृति ही आराध्य देव है, जो अनादि है वही अनंत है, वही उसका आदि देव है। और इसलिए आप सभी से मैं कहना चाहता हूं
कि जिनके साथों में प्रकृति जीवंत है और जो स्वयं में प्रकृति को महसूस करता है और जिसका प्रकृति ही देव आदिदेव है, जो महाकर्णा शक्ति है, उसी की हम प्रार्थना आराधना करने वाले लोग हैं। और इसलिए मैं प्रशासन और यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ के विधायक से सना धर्मगुरु होने के नाते मैं निवेदन करता हूँ, लाखों श्रद्धालु भक्त जो आदिवासी हैं, जिन्होंने भारत देश को सींचा है, जो भारत देश के निवासी है, मुझे आते हुए बड़ी पीड़ा वेदना हो रही है कि हमारी श्रद्धा को ताला लगाया गया और आरोप लगाया गया है। ठीक है, हमारे बच्चे गरीब हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, और यदि हमारे पदाधिकारियों से कोई गलती हुई है तो उनके साथ बैठक करना चाहिए था। हो सकता है नोटिस हुआ हो, नहीं हुआ हो, यहाँ अवैध स्कूल चल रहा है, अवैध छात्रावास चल रहा है, इस सारे बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं बंगाल गया हुआ तो सीधे वहां से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। अभी सभा के बाद मैं यहाँ के सारे लोगों से बात करूंगा, मिलूंगा, और उसके बाद में प्रशासन हो, यहाँ के विधायक हो, जो भी व्यवस्था हो, यहाँ के मुख्यमंत्री हो, उससे भी हम लोग चाहेंगे, और हम लोग हो सकता है अभी चर्चा करने के बाद हम लोग पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में हम लोग बंदी भी बुला सकते हैं, अनिश्चितकालीन रोक जाम होगा यहाँ पर।